हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल हक्का नूडल। इसके लिए हमें चाहिए एक पैकेट हक्का नूडल, 1 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून सोया सॉस ऑयल, लंबी कटी पत्ता गोभी, लंबी कटी शिमला मिर्च 1 कटोरी, 1/2 कटोरी लंबा कटा प्याज, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में 2 ग्लास पानी डालेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम उसमें हक्का नूडल डाल देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और अब मैं डाल रही हूँ हक्का नूडल। यहाँ मैंने 1/2 पैकेट यूज़ किया है, आप पूरा भी यूज़ दे सकते हैं। जब हक्का नूडल उबल जाएगी तब हम इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। और इसमें ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है रुक जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से ना चिपके। अभी कढ़ाई में तेल डालेंगे, जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें प्याज भुनने के लिए डाल देंगे। अब हम कटी शिमला मिर्च और कटी पत्ता गोभी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सोया सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे और इसके बाद 1 टीस्पून विनेगर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बॉइल्ड हक्का नूडल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें हक्का नूडल मसाला डाल रही हूँ जो कि इसी पैकेट में आता है और उसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार है हमारा वेजिटेबल हक्का नूडल।